खबर गाजीपुर जनपद से। जहां नगर पंचायत सादात में विद्या की देवी माता सरस्वती का पूजन बंधन कर मूर्तियां स्थापित की गई और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर भ्रमण करते हुए बैंड बाजी पर नाचते गाते होलिका दहन स्थल पर रेड का पेड़ लगाकर फगुआ गाते हुए होली का शुभारम्भ किया गया। यह पेड़ होलिका दहन के दिन जलाया जाता है जिसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है। श्रवण कुमार कुशवाहा, जो आज जो है कौन सा कार्यक्रम था यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुआ है? हम लोग होलिका को आज बसंत पंचमी के दिन विसर्जित कर वहाँ जमाया जाता है। अच्छा, होलिका के दिन इसको दहन किया जाता है, इसके उपलक्ष में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो क्या आप लोग हर साल इसी तरह से गाड़ते हैं जाकर के यहाँ पे? देखा भैया, देखिए भाई, ये हमारे नगर के नौजवान है सारे, इसमें छोटे बड़े बच्चे सब भी हैं और आज सरस्वती पूजन भी है और बसंत पंचमी से आगाज जाता है होली का शुभारम्भ। इसके उपलक्ष में आज जो है नगर पंचायत सादात के हमारे युवाओं के द्वारा रेड का पेड़ गाड़ करके होली का शुभारम्भ किया जाता है और होलिका के दिन इसे जलाया जाता है। इसी कार्यक्रम में हमारे तमाम यहाँ पे नौजवान इकट्ठा हुए और होलिका गाड़ करके आ रहे हैं। और भाई कौन आएगा, ये क्या नाम है आपका? सिर्फ कश्यप जी, कल्पनाथ कश्यप। कल्पनाथ कश्यप जी, तो क्या आप लोग हर साल इसी तरह से गाड़ते हैं? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हिंदू धर्म की परंपरा को निभाने के लिए आप जैसे युवा लोग एक साथ होकर के एकजुट होकर के त्योहारों पे सबके साथ मिल करके होली खेले और अच्छी ढंग से मनाए, बहुत ही खुशी की बात। वही बसंत पंचमी के दिन ही सैदपुर थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव में बने प्राथमिक विद्यालय की चार दीवारी व लोहे का गेट धराशायी होने से ननिहाल में आई मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक घटना के बाद लोगों में इस बात की चर्चा है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा के दिन उनके ही घर में मासूम की जान चली गई। और बिहार के गोपालपुर निवासी जयकेश यादव की 8 वर्षीय इकलौती बेटी रिद्धि यादव एलकेजी की छात्रा थी, 4 फरवरी को अपनी नानी के घर आई थी। गाजीपुर जनपद से अजीत मदनवाल के साथ शुभम मदनवाल की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के दिन वो बच्ची अपने ननिहाल शरीफपुर में आई थी और अपने दोस्तों के साथ विद्यालय के दरवाजा, जो विद्यालय का मुख्य गेट है वो जर्जर हो चुका है, वो खेलने के लिए आई थी। जर्जर गेट छूते ही विद्यालय का दीवार गिर गया और बच्ची की मौके पे ही मौत हो गई। क्या प्रशासन कब हरकत में आएगा, विद्यालय प्रशासन कब हरकत में आएगा? अगर वही बच्ची, आपको दिखाते हैं घटना स्थल पर लेकर चलकर कि कल की घटना क्या हुई है। ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय शरीफपुर शिक्षा क्षेत्र सैदपुर जनपद गाजीपुर, इस विद्यालय में बूथ भी बना हुआ है। कल मौके पे मजिस्ट्रेट बूथ चेकिंग के लिए भी आए थे। जानकारी के अनुसार कल मौके पे मजिस्ट्रेट भी थे और ऐसे जर्जर विद्यालय में बूथ बनाने का क्या फायदा है? देख सकते हैं कि इस जर्जर में कल 8 वर्ष की बच्ची रिद्धि यादव अपने ननिहाल में घूमने आई थी। ये वो लोहा का दरवाजा है, ये जर्जर दीवार है, इस दीवार के पास बच्ची खेल रही थी। जैसे ही बच्ची दीवार पे हाथ रखी, दीवार गिर गया और बच्ची की इसी पिलर से दबके मौके पे मौत हो गई। आप देख सकते हैं बच्ची की खून और बच्ची का चप्पल यहाँ मौजूद है। अगर विद्यालय पहले से ही हरकत में आया होता तो ये टूटा हुआ जो दीवार है, एक ही दरवाजा लगा हुआ है, अगर ये दरवाजा बंद रहता तो ये हरकत नहीं होती। विद्यालय प्रशासन की पूरी गलती मानी जाएगी। आखिर में ये विद्यालय सैदपुर थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव में बसंत पंचमी के दिन एक बच्ची की विद्यालय का मुख्य द्वार गिरने से मौत हो गई। बच्ची अपने ननिहाल में 4 फरवरी के दिन आई थी। बच्ची खेलने के लिए बसंत पंचमी को अपने सहेलियों के साथ विद्यालय के पास पहुंची। जैसे ही बच्ची ने विद्यालय का दरवाजा पकड़ा, वैसे ही दरवाजा गिर गई और बच्चे की मौके पर मौत हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि एक 8 साल की मासूम बच्ची को दरवाजा पकड़ते ही वो दरवाजा पिलर सहित गिर गया, भ्रष्टाचार कितनी हुई है।
भ्रष्टाचार ने ले ली बच्ची की जान। आइए आपको लेके चलते हैं पूरी खबर की तरफ, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आपको।